हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे मेथी की बहुत ही लाजवाब टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें इसके लिए मसाला तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं जार में डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। आप तिल की जगह पे बादाम का भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 15 से 20 मैंने यहाँ पे काली गोल मिर्च डाली है और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के सरसों। और ये सब्जी का सबसे बड़ा मेन इंग्रेडिएंट है, आप इसे सब्जी में ज़रूर डालिएगा, इसे सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। आप अदरक लहसुन का पेस्ट के जगह पे आप साबुत अदरक लहसुन भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो लीजिए मैंने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया, अब इसे साइड करते हैं और चलिए देखते हैं मेथी। तो मैंने यहाँ पे मेथी को बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया है और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच बेसन डाल रही हूँ, उसके बाद मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगा तब मैं इसमें और बेसन ऐड करूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल, चाट मसाला, गरम मसाला, अजवाइन, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। चलिए इन सब चीज़ों को हम इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाला है, मिक्स कर लेते हैं। और इसमें मैं 1 से 2 चम्मच के करीब पानी डाल रही हूँ क्योंकि नमक जैसे इससे मिलेगा तो मेथी से काफ़ी सारा जूस रिलीज होगा जो बाद में हमारा मिक्सचर को परफेक्ट कर देगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी डालकर इस तरह से इसे अच्छे से मसल ले रही हूँ और इसे हम छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो चलिए देखिए मुझे इसमें और बेसन ज़रूरत पड़ा तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच और बेसन डाल रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़े तभी आप डालिएगा वरना मत डालिएगा। तो चलिए ये मिक्सचर हमारा सेट हो गया है। तो चलिए अब हम अपनी ग्रेवी बना लेते हैं। तो चलिए मैंने कढ़ाई रख दिया है और इसमें मैं डाल दे रही हूँ 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, इसे अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सरसों के दाने, इसे अच्छे से ही तड़कने देते हैं। फिर मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ प्याज, तो प्याज को आप यहाँ पे बारीक बारीक ही काटिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा सब्जी का टेस्ट आएगा। और चलिए इसे हमें अच्छे से सुनहरा होने तक भून लेना है। तो यहाँ पर प्याज हमारा अच्छे से भून गया है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर, मैंने इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अच्छे से ही टमाटर को हम भून करके पका लेते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ जो हमने तैयार करके मसाला रखा था वो, तो मैं यहाँ सारा ही डाल दे रही हूँ थोड़ा सा जार में पहले पानी डालकर, और फिर मैं यहाँ पे इसे डाल दे रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में सांभर मसाला। ढककर मसालों को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो लीजिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भून करके तैयार हो गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच फेंटी हुई दही, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसे मैंने अच्छे से भून लिया है और अब इसमें पानी का ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 ग्लास के करीब पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और इसे अच्छे से हमें उबालना है। और इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि जो हमें बेसन की जो बढ़िया इसमें डालेंगे ना वो इसमें फूलेगी, इसीलिए यहाँ पे पानी की क्वांटिटी अच्छे से रखना है। तो चलिए हमारा मसाला ग्रेवी बहुत ही अच्छे से उबल रहा है, तो अब इस तरह से हम बड़ी बनाएंगे और इसमें डाल देंगे और इसे हम कवर करके 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए 5 से 7 मिनट बाद हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है और देखिए हमारी बढ़िया कितनी बड़ी बड़ी हो गई है फूल कर, और ये काफ़ी सॉफ्ट है और इसकी ग्रेवी का थिकनेस भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। तो आप मैं इसे निकाल ले रही हूँ सर्विंग बाउल में और आप इस रेसिपी को, इस सब्जी को चावल, रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप कब बना रहे हैं ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।